ये हमारे दो भाई मिले हैं रास्ते में, जिनका दोनों का यूट्यूब चैनल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल कैशू। इट्स अ थर्ड डे इन मनाली एंड वी आर ऑट एक्साइटेड। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, हमने कल चेकआउट किया था सेम होटल से, सेम रूम से, पर दोबारा हमने फिर सेम रूम बुक कर लिया था कॉल करके, क्योंकि हमें लगा कि सर्च करना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हम सेम होटल में रुके थे, तो हमने होटल का कुछ आज खास दिखाया नहीं आपको। अब हम पहुंच गए मॉल रोड की पार्किंग में, यहाँ पे गाड़ी को करेंगे पार्क और ऊपर जाएंगे हडिम्बा टेम्पल के ट्रैक के लिए। जा रहे हैं हम हडिम्बा टेम्पल के लिए, ट्रैक करेंगे वहाँ पे। गाड़ी हमने मॉल रोड की पार्किंग में लगा दी है, उसके बाद हमने सोचा कि पैदल चलते हैं। वैसे गाड़ी भी लेके जा सकते थे, पर पैदल चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलते हैं आपको लेके हडिम्बा टेम्पल। ये हडिम्बा टेम्पल एंट्री गेट, यहाँ से हम करेंगे एंट्री। ये है हडिम्बा देवी टेम्पल जाने के लिए सीढ़ियों वाला रास्ता, और इधर एक और रास्ता है जहाँ गाड़ियों से जा सकते हैं, जहाँ हमने यूजुअली सुना है इनसे, होटल वालों से पूछा था तो वो कहते हैं ट्रैफिक बहुत लगता है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, ऐसे गाड़ियाँ ऊपर से भी जाती हैं आराम से, कोई इशू नहीं है कि कार नहीं जा सकती। पर हम जाएंगे ट्रैक वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि हम पहाड़ों में आए हैं, डेली हम कुछ ना कुछ गलत वलत खा रहे हैं, तो थोड़ा सा कैलोरीज बर्न होंगी, तो हमने चूज़ किया ये वाला रास्ता। स्टेयर्स बहुत स्टीप है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन माता के द्वार तक तो जाना है, तो हंसते हंसते जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे तो ऐसे आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमने चूज़ किया कि हम ट्रैक करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे याक है, इसकी सवारी कर सकते हैं, इस पर आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। अरे बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। ये लिए हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए। और ये हम पहुंच गए हडिम्बा टेम्पल। अभी ओपन है, चलते हैं दर्शन करने अंदर। बहुत सारी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग आए हैं दर्शन करने। लाइन देख रहे हो टूरिस्ट की, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ऐसे घूम के ये लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे जा रहे हैं फिर टूरिस्ट अंदर। भावना लोगों में बहुत ज़्यादा होती है।
हडिम्बा टेम्पल के एग्जैक्ट पीछे हैं ये वन विहार। यहाँ की एंट्री टिकट यहाँ से ली जाती है। क्या हो रहा है फिर? रिलैक्स हो रहा है हडिम्बा देवी के दर्शन करके। हम पीछे गंगारी ये फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे पहुँच गए हैं। क्या हम कर रहे थे, रेस्ट या झूले पे बैठ के आराम कर रहे थे, पेड़ों के बीच में नेचर का फ़ायदा उठा रहे थे, मौज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हडिम्बा देवी टेम्पल के बारे में बताता हूँ। ये बनाया था बहादुर सिंह, महाराजा बहादुर सिंह जी ने 1553 के अराउंड ये बना था। और ये हडिम्बा टेम्पल जो है वो हडिम्बा माता को डेडिकेट कर होता है। हडिम्बा माता थी, उनकी शादी हुई थी हमारे भीम जी से, जो वन ऑफ द 5 पांडवास थे। तो पांडवास ने यहाँ पे आके हडिम्बा देवी के ब्रदर को हराया था, तो उनकी ये शर्त थी कि जो उनको हराएगा उनसे वो शादी कर लेंगे, तो इसलिए उनकी शादी भीम से हो गई थी। भीम से शादी होने के बाद इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था जिनका नाम है घटोत्कच, जिसको हम सब जानते हैं। अरे ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये हम जब दर्शन के लिए गए थे तो हमने जब चढ़ाया था प्रसाद तो पंडित जी ने एक रख लिया था और एक हमें दे दिया। वैसे तो वो रख लेते हैं सब कुछ। हाँ बट मैं उन्हें क्यूट लगी तो उन्होंने दे दिया। सही है तुम्हारे भी। चलो चलते हैं वापस, दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं नीचे। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन अब नहीं लग रहा। आईज देखो इसकी यार। He's smelling something, इसके आईज देखो कितनी सुंदर है। प्राचीनता होती है हर मंदिरों की, और जितने भी मंदिर हैं पहाड़ों में ऊपर ऊपर चढ़ थोड़ा बहुत ट्रैक तो करना पड़ता है। अब दर्शन कर चुके हैं हम हडिम्बा देवी टेंपल के और चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। बाय बाय मॉल रोड। अब हम कर रहे हैं बाय बाय मनाली को, मनु ऋषि के नाम पे बसाया हुआ सुंदर सा शहर, जहाँ पे रह के बहुत सुकून फील होता है, बहुत मज़ा आता है। मेरा गो टू डेस्टिनेशन है, मेरा यहाँ पे 8th टाइम था, मैं 8वीं बार यहाँ पे आया था और घूम के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ और करते हैं अपनी दिनचर्या दोबारा से शुरुआत। कल है सोमवार का दिन और करेंगे अपनी शुरुआत वही भागदौड़ भरे जीवन से, है ना, अटैक कर देंगे। ये हमारे दो भाई मिले हैं रास्ते में, जिनका ये दोनों का YouTube चैनल है। बताएं भैया अपने बारे में कुछ। हम धर्मशाला होकर आए हैं और कांगड़ा जी और पठानकोट साइड की पूरी हिमाचल उस साइड से घूम रहे हैं। अच्छा हिमाचल पूरा घूम के आए हो? जी जी। कटाना से वापसी करी है और अभी आनंदपुर साहब जा रहे हैं। आनंदपुर साहब जा रहे हो? और हम चले थे बठिंडा पंजाब से। बठिंडा पंजाब से चले 25 दिन हो गए आप दोनों को चले। मैं इस रोड पे ना जब भी जाता हूँ मेरे को हमेशा कोई ना कोई साइकिलिस्ट मिलता है, मैं क्या, चलो अब भाइयों से भी मिलते हैं। चलो ये तो